जय माता दी। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? आज नवरात्रि का सातवां दिन है, तो माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। आज मैं अपने भाभी के घर जाने वाला हूँ, तो मैं पहले अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। तो मैं हूँ सेठ जी और मैं मणियाहूँ का रहने वाला हूँ, जौनपुर ज़िले के। तो मेरे यहाँ से कम 18 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे भाभी का घर, जो जहाँ पर रामपुर नाम है उस सिटी का। तो मैं चलूँगा और मेरा दोस्त चलेगा सत्यम, और मैं जाने वाला हूँ। तो कुछ ही टाइम में मैं यहाँ से निकलूँगा और सत्यम के पास जाऊँगा। तो इस ब्लॉग में मैं पहले अपने भाभी के घर चलूँगा, फिर उसके आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। हो चुका हूँ और मैं अपनी बाइक पर बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे बाइक से सत्यम के यहाँ जाना है, फिर उसके बाद उसकी कार लेके उसके साथ हमको भाभी के यहाँ जाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से अपने घर से तैयार हो चुका हूँ, तो निकलता हूँ यहाँ से, फिर आगे तो सत्यम के घर। और सत्यम रेडी हो चुका है, तो हम चलने वाले हैं भाभी के घर। तो सत्यम है तो गाड़ी की चाबी भी मिल गई है, तो चलते हैं गाड़ी के पास। ये रही हमारी गाड़ी और चाबी मिल गई है, तो सत्यम आ रहा है, तो हम सब चलने वाले हैं। टूर के लिए निकल चुके हैं और मेरे साथ है सत्यम जो ड्राइव कर रहा है कार। और यहाँ से हमें कितना टाइम लगेगा सत्यम भाई? मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे हम लोग को जाने में, लेकिन बस बीच बीच में रोड खराब ज़्यादा हो जा रही है और गवर्नमेंट को इस बात के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है भदोही से जौनपुर के लिए मेन लिंक रोड है, तो एक एटलीस्ट यहाँ का रोड तो बनवा के रखना चाहिए। आप रोड टैक्स के नाम पे अच्छे खासे पैसे वसूलते हैं। फाइनली भाभी के घर पहुँच गए हैं और मेरे सत्यम भी बैठा है, और हम यहाँ से जल्दी ही निकलने वाले हैं और मैं यहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। तो भाभी को लेकर मैं निकल चुका हूँ और उनके ये दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जो मेरे भतीजे लगते हैं, तो इनसे मैं बात करते हुए और मौज मस्ती करते हुए मैं घर के लिए निकल चुका हूँ। तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे हम लोग को घर पहुँचने में, और घर पहुँच के मैं आगे पहुँच गया हूँ मैं अपने घर। और घर पर आने के बाद हमने थोड़ा सा हाथ मुँह धोने के बाद रेडी होने के बाद अब चलूँगा पंडाल में, तो चलते हैं पंडाल। तो मैं अपने पंडाल में आ चुका हूं और यहां की आरती करने के बाद मुझे जाना है अपने भैया भाभी के साथ, मार्केट का दुर्गा पूजा दिखाना है। तो मैं अभी यहां का आरती करने के बाद मैं यहां से निकलूंगा, तो मैं और भी आगे की चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो कुछ पंडाल देखने के बाद मैं आ गया हूं जहाँ पर झूला लगा हुआ है राजिया कॉम्प्लेक्स में। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सा झूला झूलना है, तो पहले डिसाइड करते हैं कौन सा झूला झूलते हैं, तो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले अपने भतीजों को जो आए हुए हैं उनको झुला देते हैं कार पे बैठा के। तो ये रहे हमारे दो भतीजे जो बैठ के झूल रहे हैं और मौज कर रहे हैं। उनको झुलाने के बाद हम लोग आए हैं ये रेल वाले पे बैठने, जो मेरे भाभी और भैया को बैठना था तो मुझे भी आना पड़ा। तो ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ये पीछे रहे मेरे भैया और भाभी और लड्डू बैठा हुआ है, और यहाँ ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम लोग झूल रहे हैं। और ये मेरा बाबू जो छोटू नाम है इसका, और इसको डर नहीं लग रहा है अभी, कुछ टाइम बाद ही डरेगा। झूला झूलने के बाद हम मणियाहूँ के गंज गली वाले पंडाल में आए हुए हैं, जो मणियाहूँ का सबसे बड़ा पंडाल और सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ की होती है, और यहाँ इस बार भी बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ की आरती स्टार्ट होने वाली है, तो हम यहाँ की आरती करेंगे। बस इतना ही, और अगले दिन और भी खास होने वाला है, तो अगला नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।